बीटी यूपी रिजल्ट को लेकर बड़ी कुछ खबरें निकल के आ रही है। आज हम आपको इम्पोर्टेंट अपडेट बताने वाले हैं। इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करेंगे पूरा वीडियो देखें, तभी आपकी चीज़ें समझ में आ पाएंगी। एक चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दूं, काफ़ी लोगों के जो प्रश्न आ रहे थे वो यहाँ पर बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएंगे कि आप लोगों का जो रिजल्ट है 10 सितंबर तक पूरे चांसेस हैं आने के। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अभी काफ़ी लोगों के जो क्वेश्चन आ रहे हैं क्या सर रिजल्ट इस बार का कैसा आएगा, ठीक रिजल्ट अच्छा आएगा, मैं तो दुआ करूँगा कि सारे के सारे बच्चे पास हो जाएं, है ना, हर कोई वो है पास हो जाए, मैं ऐसा गॉड से प्रे करूँगा। एक बार आप लोग कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अभी जो बीटी यूपी की साइड है कुछ इस तरीके से सर्वर में चल रहा है कि योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट, इस तरीके से शो कर रहा है, लेकिन इससे मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि डाटा अपलोड किया जा रहा हो, मार्क्स आपके अपलोड किए जा रहे हो साइड में। इसको लेकर एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी की गई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, एक से नोटिस दिखाऊंगा। देखिए ये जो जो 10 सितंबर से पहले आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, हो सकता है 7 को आ जाए, 8 को आ जाए, 9 को आ जाए, या फिर 10 को ही आए, उम्मीद पूरी है ना। और जैसे मान लो कोई अगर बदलाव होता है तो हम आपको अपडेट करेंगे। इसको लेकर एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है, वो नोटिस भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा होगा, 2 से 3 मिनट का। अभी हम लोग थोड़ा वीडियो लेट आ रहे होंगे क्योंकि अभी मैं जॉब कर रहा हूँ SRF लिमिटेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, यहाँ पर कई सारे बच्चों की क्वेरीज आती रहती हैं कि वेबसाइट इलर में चल रहा है, तो देखिए नोटिस जारी की है, आप नोटिस को देख लीजिए, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। देखिए 1/9/2023 का नोटिस है, आज की डेट में, सॉरी कल जारी किया गया था ये, अब 2 तारीख हो चुकी है आपकी। और सम सेमेस्टर जो आपके कई कॉलेज वाले ऐसे हैं जो अभी भी लापरवाही कर रहे हैं, जिन्होंने प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड नहीं किए हैं, तो उनको आखिरी बार मौका दिया जा रहा है। मौका दिए जाने के बाद क्या कहा जा रहा है ये भी बातें करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा दे रहा हूँ, ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन है, परीक्षा द्वारा अपलोड नहीं की गई है, जो खेदजनक जो है, जैसे काम हो गए कार्य में लापरवाही का घोतक है। पुनः निर्देशित किया जाता है कि संस्था लॉगिन पर परीक्षा को दिए गए संपर्क करते हुए अंतिम अवसर प्रदान करते हुए जो है दिनांक 2/9/2023 यानी आज इसकी 2/9/2023 यानी आज इसकी लास्ट डेट है रात के 12 बजे तक, ठीक है, रात के 12 बजे आज इसकी लास्ट डेट है, तो सुनिश्चित करें, क्योंकि अभी देखिए यहाँ बोला गया परीक्षा फल यानी कि आपका रिजल्ट का कार्य अंतिम चरण में है, यहाँ लिखा हुआ है। देखो भाई रिजल्ट को लेकर ऑफिशियल नोटिस है, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका रिजल्ट परीक्षा फल कार्य है, वो रिजल्ट का कार्य है बोला जा रहा है। डी फार्मा का हो कुछ सभी की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि BTUP में डी फार्मा नहीं है, सभी आते हैं इसमें, है ना, तो रिजल्ट का कार्य है वो अंतिम चरण में है। ऐसी स्थिति में किसी संस्थान का परीक्षा फल बाधित होता है तो इसका समस्त उत्तरदायी आपके कॉलेज का होगा, प्रधानाचार्य का होगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि रिजल्ट का कार्य भाई साहब अंतिम चरण पर चल रहा है, आपकी स्क्रीन पर लाइव दिखाया जा रहा है, तो ये बात आप समझ लो कि जो रिजल्ट का कार्य है बिल्कुल अंतिम चरण पर चल रहा है, यहाँ पर देखो आपकी स्क्रीन पर लाइव, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको और कंफर्म कर देना चाहता हूँ, तो यहाँ बोला जा रहा है सूची ये भी अप्रूव की हार्ड कॉपी है वो ई लिस्ट के माध्यम से बढ़ते हुए क्रम में आपको भेजना होगा BTUP परीक्षा कार्यालय को, परीक्षा फल घोषित होने से पहले स्पीड यानी कि पहले कभी भी रिजल्ट आपका घोषित हो सकता है, तो ऐसा कल तो चांस नहीं है, हो सकता है मंडे ट्यूसडे को जारी कर दिया जाए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जारी कर दिया जाएगा, परेशान आपको नहीं होना है। कमेंट में जय श्री राम हर हर महादेव जो भी आप लिख सकते हो, आपका रिजल्ट अच्छा है, मैं तो कहूँगा सारे के सारे स्टूडेंट्स पास आउट हो जाए। जिन्होंने नंबर लिखा है उनको UFM वगैरह लग सकता है, जैसा कि मैं बोल दिया हूँ पहले ही, फिर भी काफ़ी लोगों के क्वेश्चन क्वेरीज आ रही थी, तो वो चीज़ आप देख सकते हो। परीक्षा फल जो रिजल्ट घोषित होने से पहले पहले कार्यालय को परीक्षा फल घोषित होने से पहले स्पीड पोस्ट के माध्यम से सुनिश्चित करें। अजीत कुमार मिश्रा जो कि BTUP के सचिव हमारे इस समय हैं, तो फिलहाल आज इसकी लास्ट डेट है, तो रिजल्ट का कार्य है वो अंतिम पड़ाव पर है, देख सकते हो अंतिम पड़ाव पर है। पूरी उम्मीद है कि 10 तारीख तक आपका रिजल्ट है वो हर तरीके से आ जाए, 7 को 8 को 9 को 10 को कभी भी आ सकता है, तो तैयार रहो, है ना। आज आपको पता है हमारे इंडिया ने जो है भारत का पहला सूर्य मिशन EDIL-LN सफलतापूर्वक है आपका लॉन्च हो चुका है, तो इसके बारे में आप ज़रूर लिख सकते हो। अभी की डेट में हम बात करें तो साइड पर अभी थोड़ा सा चल रहा है ना प्रोसेसिंग, तो उसमें टाइम लगता है, अभी फिलहाल पुराना ही शो कर रहा है, मैं देख लिया हूँ पुराने वाले लिंक्स ही शो कर रहे हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन का बेल और कॉल पर क्लिक करें, हमारे टेलीग्राम को जरूरी ज्वाइन करें। तो ये सारी चीज़ें मुझे आपको बतानी थी, रिजल्ट का कार्य है बिल्कुल
अंतिम चरण में है, तो रिजल्ट संबंधित सारा डाटा है वो कॉलेज वाले से कह दीजिए, भेज दीजिए, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं आपसे थोड़ा सा वीडियोस देरी से आ रही हैं। फिलहाल जैसे ही रिजल्ट आएगा सबसे पहले मैं बता दूंगा, टेलीग्राम जुड़ जुड़ जाएँ ताकि आपको अपडेट मिल सके। सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।